धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा मुझे नहीं लगता सनातन ही कभी चैन की नहीं सो पाएगा। क्यों राजीव, हम तो त्रिशूल भी बांटेंगे आने वाले समय में। अगर सरकार परमिशन देगी या तो हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर तो जगत जगत में डोलेगा। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। एक तरफ चल रहा है पहलवानों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर एक हिंदू संगठन यहाँ पर आया हुआ है। जी जी, हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है भाई? बहुत जरूरत है। क्या जरूरत है? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा मुझे नहीं लगता सनातन ही कभी चैन की नहीं सो पाएगा। क्यों राजीव जी, नहीं सो पाएगा? ऐसा है नहीं, ऐसा दिखने को कई बार आया है। आप राष्ट्र बनने थोड़ी देर में कि पीछे धरना चल रहा है, वो भी हिंदू राष्ट्र बनने से महिलाओं के साथ अपराध नहीं हो? वही आ गया, वही आ गए। राजीव जी पिछले आधे घंटे से अलग अलग चैनल आके एक ही सवाल पूछते हैं कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो अब वो हिंदू बेटी है आपने उसकी मदद। मैं आपसे भी यही बोलता हूँ, अगर उस बेटी के साथ सच में कष्ट हुआ है, देखिए पहले तो मैं जानता नहीं, अगर हुआ है जब तक मैं उस बेटी से बात नहीं कर लूँगा, ना मैं किसी मीडिया की मानूंगा ना किसी भीड़ की मानूंगा। अगर उस बेटी के साथ किसी प्रकार का कोई भी अभद्र व्यवहार हुआ है तो उसका भाई, अगर मेरी उम्र उससे ज़्यादा है, उसका पिता, मैं साथ खड़ा हूँ। और आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। फिर अगर वो बेटी किसी भी धर्म की हो फिर ये हिंदू राष्ट्र का सेनानी उसके साथ खड़ा मिले। अगर हम खड़े नहीं होते तो हम यहाँ पे नहीं आते। मुझे ये बताओ वंश, हिंदू राष्ट्र बनने से कौन रोक रहा है और क्यों बनाना चाहते हो हिंदू राष्ट्र? यार मुझे समझ नहीं आता हिंदू राष्ट्र, क्योंकि जो हमारा पिछड़ा वर्ग है ना, आपने अधिकतर देखा होगा कि जितना हमारा पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो ब्राह्मण परिवार से हो, दलित हो, कोई भी हो, बहुत बहुत पीछे रह गया है। और कहीं ना कहीं जब से आरक्षण की दौड़ शुरू हुई है तब से शायद इसने जो धर्मों के बीच की जगह है ना उसे और ज़्यादा बढ़ा दिया है। क्योंकि कभी कोई कहेगा मुझे आरक्षण ही चाहिए, मुझे सर्वप्रथम तो ये आरक्षण का जो खेल बांटने का, क्योंकि जिस समय संविधान की रचना हुई थी ये कहा गया था जो पिछड़ा वर्ग है उसमें कोई जाति नहीं थी, उसमें कोई धर्म नहीं था, पिछड़ा वर्ग यानी कि जो लोग अभी भी तबके से नीचे हैं उनको समान स्तर दिया जाए। लेकिन आज देश में कई हद तक वो स्थिति आ चुकी है कि इंसान बराबरी पे चल रहा है। आपकी क्या गारंटी है हिंदू राष्ट्र बनने के बाद महिलाओं के साथ अपराध कम हो जाएंगे या फिर गुंडागर्दी कम हो जाएगी या आप जैसे, क्या नाम है आपका? अंकित। पूरा नाम? अंकित वर्मा। हम वर्मा जी को पूरा सहयोग करेंगे, वर्मा जी को एक पूरा जिला देंगे कि वर्मा जी वहाँ पे अपनी तरफ संतान संभाले। मुझे 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 वंश मुझे मुझे कोई जिला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए मेरे भाई कि सरकार आज जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ी? नहीं है फिलहाल, अभी फिलहाल हमारा मुद्दा ये है कि देश में किस प्रकार सनातन को जगाया जाए। जो सनातनी सोए हुए हैं, जो डरे हुए हैं, जैसे आप डरे, क्यों डरे हुए? जैसे आप डरे, मैं क्यों डरा? मैं क्यों डरा हूँ? जैसे आप खुल के नहीं कह पाते लेकिन मैं खुल के कहता हूँ। इसीलिए जब तक ये सनातन जागेगा नहीं हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता पड़ेगी। जिस दिन घर का बच्चा बच्चा श्री राम बोलेगा, अरे किससे डरा हुआ, किससे डरे हुए हैं लोग जो अभी असामाजिक तत्व है? जैसे कि आप भी जानते हैं, अभी आपने नाम लिया, मैंने क्या, मैंने कोई नाम ही नाम लिया आपने कि अभी ये हुआ वो हुआ, यही असामाजिक तत्व है जो देश को डरा रहा है। डरने की आवश्यकता, हालचाल तो ले आओ बहन बेटियों को, हालचाल तो आप लेके आओ, मैं खड़ा हूँ, आप लेकर आइए। देखो बेटी वो आपकी भी है तो मेरी भी है, आप लेकर आइए, मैं साथ खड़ा हूँ। क्यों राजीव जी, हम साथ खड़े हैं, आप लेकर आइए, असलियत को सामने लेकर आइए, हम साथ खड़े हैं, फिर हम किसी धर्म को नहीं देखेंगे। युवराज जी जो है, संत युवराज जी जो है वो लाखों करोड़ों तलवारें बांटने की बात करते हैं। बिल्कुल, किस क्या जरूरत तलवार? रक्षा, सुरक्षा। किससे सुरक्षा? अपनी सुरक्षा, अपने देवी देवताओं की अपनी सुरक्षा। और एक बात फिर मुझे बड़ी अच्छी मूवी याद आती है कि तुम एक छोटे से गोले का आदमी जिसने इतना बड़ा बनाया उसे तुम सुरक्षा करोगे, तो यही व्यवस्थाएं हैं। और ये तो एक सनातन का चिन्ह है, माँ जगदम्बा तलवार लेती हैं, हम तो त्रिशूल भी बांटेंगे आने वाले समय में। अगर सरकार परमिशन देगी या तो हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर तो जगत जगत में डोलेगा। लेकिन अगर अभी जब तक वर्चस्व नहीं, एक 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 मजहब के खिलाफ थोड़ा बैर भाव है आपके मन में या फिर किसी नहीं, धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो अगर कोई और अन्य धर्म का व्यक्ति आके मुझे अपनी पीड़ा बताए, अपने धर्म के बारे में बताए तो मैं जरूर सुनूंगा। लेकिन सनातन धर्म क्यों चाहिए, हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? क्योंकि हिंदुओं को अभी बिल्कुल बहुत भारी ज़रूरत है अपने आप को बचाने के लिए, अपनी धी बेट। अभी आपने देखा कितने कांड होते हैं, जब भी देखो, मैं आज ना एक बहुत बड़ी बात सच्चाई बोलने जा रहा हूँ कि जब भी किसी धी बेटी के साथ गलत होने जा रहा होता है, दो मानसिकताओं के साथ होता है, एक होता है जानबूझकर, उनको तो आरोप सिद्ध भी हो जाते हैं और सजाएं भी मिल जाती हैं, लेकिन जो जानबूझकर होते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो या कोई और धर्म हो, उनको सजाए नहीं, क्योंकि वो सोची समझी साजिश होती है। उसी साजिश के पर्दाफाश के लिए, उसी साजिश को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, यहाँ तक कि मैं खुद क्यों ना हूँ,
जब तक मेरे पास पावर, देखो अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास ताकत है, आज मेरी ताकत क्या है, मेरी ताकत है आप, मेरी ताकत है आप। आज ये देवराज जी हमारे बीच मौजूद हैं, पूरा का पूरा नोएडा क्षेत्र इनके अंदर आता है, सारा काम छोड़ के इसीलिए आए कि सनातन जाग सके। जब तक ऐसे युवाओं का समर्थन आप जैसी मीडिया, हम जैसे भाई नहीं करेंगे, तब तक इस देश में कुछ भी अच्छा होने की संभावना नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।